Good morning, friends. I am Dr. Ashish Saini and I am a urologist and uro-oncologist practicing in South Delhi. Today we will be talking about renal mass or kidney mass or kidney cancer. So renal mass ka jo presentation hota hai, presentation jo aajkal most common hai, wo hai through an ultrasound ki kisi wajah se ultrasound hua aur us ultrasound mein aaya ki kidney mein gaat hai ya kidney mein koi tumor ho gaya hai jisko ki RCC bhi bolte hain ya renal cell carcinoma bhi bolte hain. तो ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है. 60-70% जो पेशेंट्स होते हैं वो किसी और वजह से अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उस अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि किडनी में मास है. ऐसे केसेस में जिनमें ये मास 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से कम है या हमें लगता है कि हम किडनी को बचा सकते हैं, तो ऐसे केसेस में उस मास को सिर्फ निकाला जाता है और किडनी को बचा लिया जाता है. इस प्रक्रिया को कहते हैं पार्शियल नेफ्रेक्टमी, विच कैन बी डन लैप्रोस्कोपिकली और बटन होल से या फिर हम ओपन सर्जरी कर सकते हैं. दूसरे केसेस होते हैं जो एडवांस केसेस होते हैं. एडवांस केसेस में जैसे कि आज हम इस पेशेंट के बारे में जिसका हम सर्जरी करने जा रहे हैं, इस पेशेंट की प्रेजेंटेशन हुई है कि इसको अनीमिया हो गया, ब्लड की कमी हो गई और इसके साथ इसको बुखार था और इसके पेट में एक सूजन थी क्योंकि ये गांठ काफ़ी बड़ी हो गई. अब हम देखें इसमें तो ये सिटी स्कैन मीटर की गांठ है, तो ये पूरा का पूरा जो किडनी है इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय दिस ट्यूमर. This is the tumor on the right side and one can see that the left side, left kidney is all right. So this is the left kidney and this is the tumor on the right side which is causing a very big mass. So we are doing a radical nephrectomy. So radical nephrectomy kari jati hai jisme ki tumor jo hai wo 5-6 cm se bada ho gaya hai ya fir hum kidney ko nahi bacha sakte, jo parenchyma hai wo puri ki puri replace ho gayi hai. So aise cases mein radical nephrectomy hoti hai और इस केस में हमें कभी कभी ओपन सर्जरी करनी पड़ती है जबकि मास काफ़ी बड़ा हो जाता है. सो दिस इज व्हाट वी वांट टू से अबाउट रीनल ट्यूमर या रीनल मास. दूसरे जो लक्षण होते हैं, दूसरे लक्षण ये हो सकते हैं कभी कभी यूरिन में आपको ब्लड आ सकता है और यूरिन में कभी कभी खून के थक्के भी आ सकते हैं, तो दूसरी टाइप का मास होता है जिसको कि हम TCC बोलते हैं. पेल्विक TCC कैन कॉज ब्लड क्लॉट्स इन द यूरिन एज वेल एज हिमेचूरिया विच इज नोन एज ब्लड इन द यूरिन. तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं और ज़्यादातर केसेस में जो डायग्नोसिस होता है वो अल्ट्रासाउंड के बाद होता है और अल्ट्रासाउंड के बाद एक हमें सिटी स्कैन करना होता है देखने के लिए कि मास का साइज क्या है और आसपास के ऑर्गन्स को ये इन्वॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा है. थैंक यू.